हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है समांतर श्रेणी। आसान सा टॉपिक। सबसे पहले श्रेणी कहते किसे, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, हम कुछ नंबर को इकट्ठा करते हैं। अगर एक निश्चित प्रारूप में किन्हीं नंबर को इकट्ठा किया जाए, एक साथ लिखा जाए, कुछ नंबर्स को लिखा जाए, कुछ संख्याओं को लिखा जाए, तो उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... एक निश्चित प्रारूप में हम लिख रहे हैं। निश्चित प्रारूप क्या है इसमें? एक में दो जोड़ रहे हैं, तीन आ रहा है, तीन में दो जोड़ रहे हैं, पाँच आ रहा है, पाँच में दो जोड़ते हैं सात आता है, सात में दो जोड़ते हैं नौ आता है, नौ में दो जोड़ते हैं ग्यारह आ रहा है। एक निश्चित प्रारूप है। इसी प्रकार 2, 4, 8, 16, 32, 64 ... यह भी एक समांतर श्रेणी है, यह भी एक श्रेणी है। अनुक्रम कह दें चाहे श्रेणी कह दें, मतलब यह है कि संख्याओं को कुछ इस प्रकार से इस प्रारूप में हम निश्चित प्रारूप में लिख दें कि उनमें कोई ना कोई संबंध हो, उनसे हम उससे आगे वाला पद ज्ञात कर सकते हों, तो उसे हम श्रेणी कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। ये हमारे पास एक श्रेणी है, क्योंकि इसको दो से गुणा करने पर 4, इसको दो से गुणा करने पर 8, इसको दो से गुणा करने पर 16, इसको दो से गुणा करने पर 32, इसको दो से गुणा करने पर 64 बनता है। इसी प्रकार अगर मैं ये लिख दूँ 1, 2, 3, 5, 8, 13, ये भी एक श्रेणी है। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो श्रेणी के हैं। मैंने इस मंत्र श्रेणी को परिभाषित नहीं किया, अभी सिर्फ श्रेणी को परिभाषित कर रहे हैं। कोई भी श्रेणी का मतलब ये होगा कि संख्याओं का ऐसा प्रारूप या इस तरह से संख्याओं को इकट्ठा करना कि उसका एक प्रारूप बन रहा हो, एक निश्चित नियम बन रहा हो, जिसकी सहायता से हम उससे आगे वाला पद ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि एक के बाद में एक जोड़ने पर 2 आ गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ें 1 और 2 को तो 3 बन गया, 2 और 3 को जोड़ें तो 5, 3 और 5 को जोड़ें 8, 5 और 8 को जोड़ें 13। अगला पद निकालना हो तो पीछे वाले दोनों पद जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही, 8 और 13 को जोड़ेंगे 21। यह एक श्रेणी कहलाती है। तो श्रेणी का मतलब एक निश्चित प्रारूप में संख्याओं को लिखना एक श्रेणी कहलाता है। इसमें हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, जिनमें से एक प्रकार की श्रेणी हमें 10वीं क्लास में दी हुई है और उससे आगे 2 प्रकार जो हैं वो हम 11वीं क्लास में करेंगे, जिसमें हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी 10वीं क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में है। तो हम समांतर श्रेणी शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी, श्रेणी है इसका मतलब कोई ना कोई निश्चित प्रारूप संख्याओं में बन रहा होगा। यहाँ हमारे पास समांतर श्रेणी का मतलब होगा कि अगर हम कुछ निश्चित पद को जोड़ के, निश्चित संख्या को जोड़ के आगे वाला पद प्राप्त कर रहे हों, एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक निश्चित संख्या का अंतर आ रहा हो, एक निश्चित संख्या का अंतर, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे ये है, इसमें 2-2 का अंतर आ रहा है, 1 और 3 में अंतर 2 का, 3 और 5 में अंतर 2 का, 5 और 7 में अंतर 2 का, 7 और 9 में अंतर 2 का, 9 और 11 में अंतर 2 का। इसी प्रकार 2, 6, 10, 14, 18 ... निश्चित अंतर आ रहा है, 2, 6, 4 का अंतर है, 6, 10, 4 का अंतर, 10, 14, 4 का अंतर, 14, 18, 4 का अंतर, 4, 4 का अंतर आता जा रहा है, इसलिए इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ये आ जाए हमारे पास 120, 116, 112, 108 ... अंतर 4-4 का आ रहा है प्रत्येक 2 पदों के बीच में। इसमें -4 का अंतर है क्योंकि 4 घटता जा रहा है, तो भी समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी का मतलब है कि ऐसे संख्याओं का समूह या ऐसे संख्याओं को इकट्ठा करना जिसमें
प्रत्येक पद में कोई निश्चित पद जोड़ने से या निश्चित पद घटाने से हमें आगे वाला पद प्राप्त हो जाए। निश्चित पद ये रहा, जैसे इसमें प्लस चार आ रहा था, इसमें माइनस चार आ रहा है, माइनस चार करने पर आगे वाला पद प्राप्त होता जा रहा है। इस निश्चित पद जो जोड़ा या घटाया जाता है उसे सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, सार्व मैंने सब, अंतर मैंने डिफरेंस, आपको पता ही अंतर क्या होता है। सार्व अंतर का मतलब सभी में अंतर, और सभी में अंतर अगर समान आता है तो ही उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से लिखा करेंगे। स्मॉल डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होगा। प्रथम पद हमेशा, देखो समांतर श्रेणी हम परिभाषित कर चुके हैं कि प्रत्येक पद में कुछ निश्चित पद जोड़ने पर, कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर अगर आगे वाला पद प्राप्त होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इस प्रथम पद को ए एक से या ए से भी व्यक्त करेंगे, जो हमेशा, ये पहला पद क्या है हमारे पास, ये समांतर श्रेणी थी इसका पहला पद, ये प्रथम पद कहलाता है जिसको स्मॉल ए से या ए वन से व्यक्त कर सकते हैं, प्रथम पद कहलाता है। जैसे इसमें ए का मान 2 है, इसमें ए का मान 120 है, और सबसे पहले इसमें ए का मान 1 है। सार्व अंतर, वह अंतर जो सब में समान है, इसको ज्ञात करने का सूत्र होगा चाहे दूसरे में से पहला पद घटा दो, चाहे तीसरे में से दूसरा पद घटा दो। दूसरा पद पहले पद के बाद आ रहा है, जो संख्या दूसरा पद है, दूसरे के बाद आएगी वो तीसरा पद है, तीसरे के बाद आएगी वो चौथा पद है। किन्हीं दो कर्मागत पदों का अंतर निकाल दो आप, वह सार्व अंतर है अगर समांतर श्रेणी है तो। इसमें ए चार माइनस ए तीन, ए पाँच माइनस ए चार, इस प्रकार से हम इसके सार्व अंतर को परिभाषित कर सकते हैं। चाहे 6 में से 2 को घटाओ 4 आ जाएगा, 10 में से 6 को घटाओ 4 आ जाएगा, 14 में से 10 को घटाओ 4, 18 में से 14 को घटाओ 4, सभी में अंतर 4-4 का आता जा रहा है, सार्व अंतर 4 है। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर को परिभाषित करते हैं। अब प्रथम पद और सार्व अंतर अगर ज्ञात हों तो बाकी के पद ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसा कि प्रथम पद अगर मान लो हमें दे दिया जाए a बराबर 3 और d बराबर दे दिया जाए 3, तो पहला पद 3 है, दूसरा पद ये सार्व अंतर जोड़ने से प्राप्त होगा, सार्व अंतर जोड़ के प्राप्त करेंगे तो 3 प्लस 3 यानी 6, फिर 3 जोड़ेंगे 9, 6 प्लस 3 9, फिर 3 जोड़ेंगे 9 प्लस 3 12। इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी को बनाई जा सकती है, समांतर श्रेणी के पद ज्ञात किए जा सकते हैं। अर्थात अगर हमें पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात हो तो उस स्थिति में उस समांतर श्रेणी को परिभाषित किया जा सकता है। पहला पद 3 है, दूसरा पद 3 प्लस 3 यानी 6 हो जाएगा, तीसरा पद 6 प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा, इसी तरह से आगे के पद प्राप्त होते जाएंगे। इस पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 5.1, प्रश्न संख्या 8। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी को छोटे रूप में एपी से भी व्यक्त किया जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ का ए और मेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास पी लिया जाए तो एपी लिखा जाता है। तो इनमें से कौन सा एपी है और क्यों, ये दोनों परिभाषित करने हैं। इसको हल करने के लिए सॉल्यूशन देखो, हम मान के चलेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये निश्चित है, और उसके बाद में अगर वो दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये जुड़ जाएंगे, तीसरा किलोमीटर जाएगा तो एक बार और 8 रुपये जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया ये हमारे पास दिया हुआ है 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का किराया
ये हो जाएगा 15 + 8 यानी 23 रुपये। तीसरे किलोमीटर का किराया ये हो जाएगा 23 + 8 यानी 31 रुपये। चौथे किलोमीटर का किराया ये हो जाएगा 31 + 8 यानी 39 रुपये। अब अगर हम देखें, पहले 15 आया, दूसरे में 23, तीसरे में 31, चौथे में 39, इस तरह से लगातार चलता जा रहा है, तो सब में अंतर 8-8 का आता जा रहा है। 8 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं, अगले किलोमीटर का किराया आता जा रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद उसका किराया कितना होगा, 6 में कितना होगा, 7 में कितना होगा, वो सभी ज्ञात किया जा सकता है। अगर इस प्रकार से मान प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि सारव अंतर 8 है। यह हमारे पास एक समांतर श्रेणी को व्यक्त करेगा, और इस क्योंकि इसका सारव अंतर जो आ रहा है वो 8 के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा को हम परिभाषित कर रहे हैं, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग बाहर निकालेगा तो जब पूरे में से 1/4 निकलेगा, 3/4 बचेगा। अगर 3/4 बचेगा तो जो शेष भाग है, जो हमारे पास हवा बच रही है, उसका 3/4 भाग निकालते जाएंगे, हमारे पास 3/4 से गुणा करते जाएंगे। यानी अगर पहले एक हम इकाई मान के चलते हैं तो बाद में 3/4 बच जाएगा, क्योंकि 1/4 तो हटा दिया उसने, 1/4 हिस्सा निकाल दिया, 3 हिस्से बच गए। फिर उस 3 हिस्से का फिर 1/4 हिस्सा निकाल देंगे तो 9/16, 3/4 से लगातार गुना होता जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में 1/4 भाग हटाने पर शेष भाग, इसमें शेष भाग जो होगा, 1 में से 1/4 भाग हटाएंगे, 4 लघुत्तम, 4 - 1 यानी 3/4 भाग, यानी जो भी हमारे पास उत्तर आएगा उसका 3/4 भाग हमारे पास शेष रहेगा। उसको ज्ञात करने के लिए प्रारंभ में हवा बराबर 1 मान के चलते हैं, हवा 1 भाग में है पूरे में। प्रथम बार पंप द्वारा वायु हटाने पर 3/4 भाग शेष रहेगा उपस्थित बेलन में हवा। द्वितीय बार पंप द्वारा वायु हटाने पर इस 3/4 का फिर से हमारे पास हो जाएगा, 3/4 का 3/4 भाग बचेगा यानी 9/16। तृतीय बार पंप द्वारा वायु हटाने पर 9/16 का फिर 3/4 भाग हटेगा यानी 27/64। इस प्रकार से लगातार उसमें से 3/4 भाग रहता जाएगा, 1/4 भाग हटता जाएगा। अब अगर हम इसमें उपस्थित हवा के लिए संख्याओं को इकट्ठा करें तो ये 3/4, ये 9/16, ये 27/64, ये भाग बच रहा है। अगर इसमें देखें तो 3/4 का गुणा होता जा रहा है, जोड़ या घटाव नहीं हो रहा। लेकिन समांतर श्रेणी के लिए हमने कहा था कि सिर्फ जोड़ने या घटाने पर ही हमें पद प्राप्त होता हो, गुणा करने पर या भाग देने पर कोई नियम नहीं था। इसलिए यह एक श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, तो हम यहाँ कहेंगे कि यह एक श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारव अंतर समान नहीं है। अगर सारव अंतर समान नहीं है, क्योंकि अगर इनको घटाते हैं तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, 3/4 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1/4। लेकिन 9/16 में से जब 3/4 घटाएंगे तो ये माइनस के हमारे पास 3/16 रह जाएगा, जो कि ये -1/4 और -9/3/16 अलग अलग आ रहा है,
या इस प्रकार से भी लिख सकते हो, डी का मान निकालोगे 3/4 -1 -1/4, फिर डी का मान निकालोगे 9/16 -3/4, जो कि 16 लघुत्तम लेने पर हमारे पास बचेगा -3/16। बराबर नहीं है, -1/4 -3/16 दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, सार्वअंतर समान नहीं होने के कारण। तीसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 और बाद में एक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो देखो, एक मीटर खुदाई का खर्च ₹150, दो मीटर का ₹150 तो लग गया, उसके बाद में प्रत्येक मीटर के लिए जो खर्चा लग रहा है वो हमारे पास ₹50 अधिक है, यानी 50 जोड़ने से प्राप्त होगा ₹200। तीन मीटर कुएं का, यानी कुएं का खुदाई का खर्च 200 तो लग ही गया दो मीटर का, उसमें ₹50 और जुड़ गए ₹250। चार मीटर का ₹250 लग गए, उसमें 50 और जुड़ जाएगा, यानी ₹300। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहले मीटर का 150, दूसरे का 200, तीसरे का 250, चौथे का 300, इस तरह से ये मान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें अगर हम अंतर निकालें, इन दो का अंतर ₹50, इन दो का अंतर ₹50, इन दो का अंतर ₹50, यानी सार्वंतर डी ₹50 समान आ रहा है सभी स्थितियों में। अगर समान आता है तो यह एक समांतर श्रेणी है, यानी यह जो है वो एक समांतर श्रेणी को व्यक्त करता है, जो कि इस तीसरे भाग का हल होगा। पहले का ही चौथा भाग दिया हुआ है कि खाते की प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब अगर चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात, मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1+ दर/100 घात समय। पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष मिश्रधन हो जाएगा हमारे पास मूलधन, मूलधन यानी 10,000, 1+8/100 घात समय, समय एक वर्ष, पहले वर्ष की बात कर रहे हैं। अगर 100 लघुत्तम ले लें तो ये बन जाता है 10,000 गुणा 108/100। दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष मिश्रधन ये हो जाएगा 10,000 गुणा 1+8/100 घात 2 हो जाएगी इस बार, यानी 10,000 गुणा 108/100 घात आ जाएगी 2। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो इसमें 10,000 गुणा 108/100 की घात 3 आ जाएगी। इस प्रकार से लगातार मान बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हल करें तो ये बन रहा है 10,000 गुणा 108/100 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए 10,000 गुणा 108/100 की घात 2, तीसरा बन रहा है 10,000 गुणा 108/100 की घात 3। लगातार हल ये प्राप्त होगा। अगर इसकी गणना करते हुए अगर हम हल निकालें या डायरेक्ट भी देख सकते हैं, देखो इनकी घातों में परिवर्तन होता जा रहा है। पहले घात 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। घात तभी परिवर्तित होती है जब गुणा में कोई संख्या बढ़ती जाती है। अगर गुणा में कोई संख्या बढ़ती जाए तो इसका मतलब 108/100 का लगातार गुणा होता जा रहा है। पहले 1 थी, फिर गुणा हो गया तो 2 हो गई, फिर गुणा हो गया तो 3 हो गई।
समांतर श्रेणी सिर्फ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, गुणा करने से प्राप्त नहीं होती। गुणा करने पर समांतर श्रेणी नहीं होती। इसमें गुणा करने से प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यह है एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वान्तर समान नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, ये लिख सकते हो, क्योंकि आगे वाला जो पद है वो गुणा करने से प्राप्त हो रहा है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है। या फिर इस कारण भी लिख सकते हो कि सार्वान्तर समान नहीं है। सार्वान्तर के लिए अगर गणना करना चाहो तो आप गणना करके ज्ञात कर सकते हैं, सार्वान्तर समान नहीं है। ये इस प्रकार से हम 5.1 का पहला सवाल पूरा करेंगे। बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।